दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लेन के टायर कभी नहीं फटते, या फिर ये कि टाइम में एएम और पीएम का मतलब क्या होता है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो आज ये वीडियो जरूर देखें। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आप रोज टाइम देखते हैं, चाहे ऑफिस जाने के लिए, चाहे ट्यूशन क्लास या फिर जिम। हम डिजिटल घड़ियों और फोन में टाइम एएम या पीएम में देखते हैं। दिन के 24 घंटे इन्हीं 12-12 घंटों के एएम और पीएम में बटे हुए होते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे का टाइम एएम और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के टाइम को पीएम कहते हैं। लेकिन क्या आप एएम और पीएम के फुल फॉर्म का मतलब जानते हैं कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, वहीं पीएम की फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम। और मुमकिन है कि आपने इन वर्ड्स को कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। एएम या एंटी मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर से पहले, पीएम या पोस्ट मेरिडियन का मतलब होता है दोपहर के बाद। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों प्लेन का वजन कई हजार किलोग्राम होता है। 0.7373 का टेक ऑफ वे 80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है, और लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर भी इसके टायर कभी नहीं फटते, जानते हैं क्यों? ये कैसे मुमकिन हो पाता है? दोस्तों, इन टायरों को बनाने के लिए रबर के साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है, और इसके टायर में कार के टायर के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है, ताकि ये ज्यादा लोड को सहन नहीं कर सके। यही नहीं, इसमें नॉर्मल गैस के बदले नाइट्रोजन गैस भरी होती है। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों आप दुनिया की किसी भी जगह चले जाएं, आप यही पाएंगे कि बियर की बोतल या तो ब्राउन कलर की है या फिर ग्रीन कलर की। इसके पीछे भी साइंस है दोस्तों। दरअसल पहले बियर को ट्रांसपेरेंट ग्लास की बोतल में स्टोर किया जाता था और सर्व किया जाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पता चला कि बियर में मौजूद एसिड जैसे ही सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आता है, एक रिएक्शन होती है और बियर से सड़ी हुई बदबू आने लग जाती है, साथ ही उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। तो काफी सोच विचार के बाद ब्राउन कलर को बियर बोतल के लिए चुना गया, क्योंकि इस कलर के ग्लास में सन की अल्ट्रावायलेट रेज पेरिट्रेट नहीं कर पाती। ग्रीन भी एक ऐसा ही कलर है, और इसी कारण दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्राउन के अलावा ग्रीन बियर बॉयल के लिए इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों इस फोटो को गौर से देखिए। बिल्डिंग में घुसती हुई इस ट्रेन का नजारा आपको दक्षिण पूर्व चीन में स्थित शहर चुनचीन में मिलेगा। जब यहाँ रेल का निर्माण शुरू हुआ तो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग ट्रेन का रास्ता रोक रही थी। जब इंजीनियर्स को ये समझ में आ गया कि ट्रेन ट्रैक के लिए बिल्डिंग को तोड़ना भी घाटे का सौदा है, तो नियोजकों ने बिल्डिंग के बीच से ही ट्रेन ट्रैक निकालने का प्लान बनाया, और फिर इंजीनियर्स ने हैरतअंगेज कारनामे को कर बताया। ये बिल्डिंग एक 19 मंजिला बिल्डिंग है, और ट्रेन इसकी 6 मंजिल से होकर गुजरती है। न सिर्फ ये बिल्डिंग ट्रेन से होकर गुजरती है, बल्कि इसी बिल्डिंग में ट्रेन का एक ट्रांजिट स्टॉप भी है। इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट रेजिडेंट अपने बिल्डिंग के 6 फ्लोर पर इस ट्रेन को बोर्ड या डिबोर्ड कर सकते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि कोई भी जरूरी काम करने से पहले दही शक्कर खाकर जाना चाहिए। बचपन में भी माँ हमें एग्जाम में जाने से पहले दही शक्कर खिलाती थी, याद है ना? दोस्तों, हमसे कोई अभी पूछे तो हम इसे अंधविश्वास का नाम देकर नकार देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है? दरअसल दही एक कूलिंग फूड की तरह काम करता है, और शक्कर में ग्लूकोज होता है, जिससे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दही शक्कर खाने से बॉडी और हेल्थ दोनों हेल्दी रहते हैं, जिससे काम में फोकस बढ़ता है और सफलता मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी राय बनाने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर लेना अच्छा रहता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।